तो दोस्तों आपको डॉग के सारे ब्रीड चाहिए बिलासपुर शहर में अवेलेबल तो सही वीडियो पाया हो। सैन बर्नार्ड का मेल पपी है, एडल्ट वेट 70-80 केजी के आसपास जाता है। ईयर जो साइड से कलर है ये डार्क गोल्डन है, जो बड़ा होकर पूरा ही गोल्ड कलर में आ जाएगा। लासा एपशोर इसकी ब्रीड का नाम है। इसको आप ग्रूमिंग करके इनके आप नॉट्स चोटी बना के इनको अच्छे से डेकोरेट करके आप रख सकते हो। ये पोमेरियन का व्हाइट स्पिट्स के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन स्पिट्स के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। कॉमन सी भाषा में अगर बोला जाए तो पोमेरियन ही ज्यादा इसको लोग लाइक करते हैं। ईयर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा इसकी ईयर सेट होते जाएंगे। एक्चुअल क्या होता है इनकी बॉडी शेप और टाइप, इसका जो बोलते हैं ब्रॉड हेड, शॉर्ट टेल, ये इसकी पहचान है प्योर लैब्राडोर की। चाओ चाओ ये डॉग है, ओरिजिन चाइना का है। इसका बॉडी वेट लगभग 40 केजी के आसपास रहता है एडल्ट वेट। ये हमारा खुद का डॉग है, पर्सनल डॉग है। किसी को भी अगर लगता है कि अपनी फीमेल को मैटिंग करानी है या कॉन्टेक्ट में करना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। 7 से 8 लीटर के बच्चे इसके होते हैं एक बार में। अगर आप फीमेल डॉग या मेल कैट फीमेल लेना चाहते हो, उनको ब्रीडिंग करना चाहते हो और उनके पपीज करवा के भी सेल करना चाहते हो तो भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। Hey guys, welcome back to my new vlog. दोस्तों आपको डॉग के सारे ब्रीड चाहिए बिलासपुर शहर में अवेलेबल तो सही वीडियो पाया हो। दोस्तों मेरे को बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि भैया मैं बिलासपुर में रहता हूँ, मेरे को बिलासपुर शहर में सैंड बर्नार्ड, जर्मन शेफर्ड, ट्रॉट विलर, लैब्राडोर, दुनियादारी जितने भी पेट है डॉग पेट वो कहाँ मिलते हैं वो बताइए करके। तो मैं आज आ चुका था डॉग पॉइंट जरा भाटा बिलासपुर, यहाँ आपको सारे डॉग के ब्रीड अवेलेबल मिल जाएंगे, सारे पपीज मिल जाएंगे गाइस। उसके अलावा जितने भी फूड के प्रोडक्ट हैं, ऑल पेट के फूड प्रोडक्ट, बहुत सारे चीज यहाँ एसेसरीज भी मिल जाएंगे पेट को पहनाने के लिए, पालने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहता है। चलिए यहाँ चलते हैं और भैया से बात करते हैं। उसके अलावा एक एक करके सारे डॉग से जो ब्रीड है अभी अवेलेबल है उसको मैं दिखाता हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं पेट पॉइंट जरहाभाटा बिलासपुर में जो भैया का शॉप है वहां मैं एंट्री कर चुका हूं और टेबल बैठ चुका हूं और आपको एक एक करके चले डॉग्स के ब्रीड को दिखाते जाता हूं। यहां बहुत सारे डॉग्स के ब्रीड है गाइस, चलिए सबसे पहले का करके देखते हैं। तो भैया ये कौन सा डॉग का ब्रीड है ये बता दीजिए अपन को। ये सैन बर्नार्ड का मेल पपी है जो की बहुत ही शानदार क्वालिटी का, फर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। एडल्ट वेट 70-80 केजी के आसपास जाता है और ये बच्चा भी लगभग 40 डिस्क है और उसका बॉडी वेट अभी 4 केजी के आसपास है। कलर मार्किंग आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बच्चा बहुत ही शानदार, बहुत ही सुपर क्वालिटी है। और प्राइसिंग कैसा रहेगा भैया, समथिंग प्राइसिंग? देखिए इनकी ब्रीड और इनकी नस्ल और उनकी उसके सब ऊपर डिपेंड होता है कि क्वालिटी कैसी है। तो इनका प्राइसिंग आप मान के चलिए सैन बर्नार्ड का एक अच्छा बच्चा लेने चाहते हो तो 14-15 से स्टार्टिंग हो जाती है और लगभग 20-22 हज़ार तक मैक्स टू मैक्स अच्छे बच्चे मिल जाते हैं। सो गाइस फाइनली आपने सैन बर्नार्ड डॉग को देख लिया है, अभी आ चुका है सेकंड ब्रीड गोल्डन रेट्रीवर, इसके बारे में बताइए भैया। ये गोल्डन रिवर की फीमेल पपी है जो की 40 डेज की होगी। गोल्डन रिवर में प्राय गोल्डन कलर की डिमांड होती है और इनका कलर आप देख सकते हो, ईयर जो साइड से कलर है ये डार्क गोल्डन है, जो बड़ा होकर पूरा ही गोल्ड कलर में आ जाएगा। सुपर क्वालिटी की फीमेल से, इसका फर क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो। इतनी रिच कलर की फीमेल और इतनी सुपर क्वालिटी की फीमेल आप बिलासपुर में पैक पॉइंट में देखने को मिलेगी। और इसका प्राइसिंग कैसा है भी ये बता देते। प्राइसिंग फीमेल तो मेल के अपेक्षा बहुत ही रिजनेबल रेट में रहती है, आपको फीमेल 14,000 में आ जाएगी। और मेल में कैसे आ जाएगी? मेल की प्राइसिंग फीमेल की प्राइसिंग से लगभग 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस अमाउंट रहता है। तो मेल लेना चाहेंगे अगर क्वालिटी में तो 17 से 18 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा। सो गाइस आपने गोल्डन रेट्रीवर को देख लिया होगा, ये आप देख सकते हो थर्ड ब्रीड है। उसके अलावा दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव है मैं आपको बता दूं। और लासा है ना भैया? लासा एपश्योर इसकी ब्रीड का नाम है और इसमें कलर काफी सारे रहते हैं और ये पपी आपको मेल और फीमेल में देखने को मिल जाएगा। जो आपने पकड़ा वो फीमेल है और ये मेल है। इनकी खासियत है इनकी हेयर कोट बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है जो की पूरी पूरा पूरा जमीन तक टच होता है। इसको आप ग्रूमिंग करके इनके आप नॉट्स चोटी बना के इनको अच्छे से डेकोरेट करके आप रख सकते हो। ब्लैक कलर का बच्चा है, बहुत ही एक्टिव, फुली एक्टिव पपी है। 2 मंथ का बेबी है, फीमेल और मेल। और इसके बॉडी हेयर उसका जमीन तक टच होगा, बिल्कुल टच होगा। इसका बॉडी वेट लगभग एडल्ट होने पे 9 से 10 किलो के आसपास जाएगा और इसकी हाइट लगभग 10 से 11 इंच तक इसकी हाइट रहेगी। कलर भी ये ब्लैक कलर में और व्हाइट कलर का टीका लगा हुआ है। और इसका प्राइस बता देते हैं व्यूअर्स को थोड़ा सा। और फीमेल जैसे अपन चॉइस करते हैं, अगर फीमेल आपको लेनी है तो लगभग 9 से 10 हज़ार की फीमेल आपको अवेलेबल हो जाती है और मेल आप लेने जाते हैं तो 10 से 12 हज़ार तक का मेल आपको अवेलेबल हो जाता है। हाँ जी भैया, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लासा है जो की बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। चले दोस्तों एक एक करके और देखते जाते हैं ब्रीड, बाकी पास से देख सकते हो आप ये। खाली जी भैया आप भी यहाँ पर नेक्स्ट डॉग है पोमेरियन डॉग है, तो चलिए भी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे को। ये पोमेरियन का व्हाइट स्पिट्स के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन स्पिट्स के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। वैसे कॉमन सी भाषा में अगर बोला जाए तो पोमेरियन ही ज्यादा इसको लोग लाइक करते हैं।
ये मेल पपी है, लगभग 45 डेज का है और प्योर मिल्की व्हाइट कलर का पोमेरियन बच्चा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब बच्चा है ये। और इसके बहुत कलर ऑप्शन और क्या क्या मिल जाएंगे? कलर ऑप्शंस में ब्लैक एंड व्हाइट और ज्यादा ब्राउन एंड व्हाइट में भी मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो पसंद है फर्स्ट चॉइस वो व्हाइट कलर में ही होती है, प्योर व्हाइट मिल्की व्हाइट। और इसका प्राइस कैसा है? समथिंग भी ये प्राइस में बहुत ज्यादा स्टार्टिंग प्राइस ही रहती है इसकी। मान के चलिए आप मेल पपी लेते हैं तो 6,650 का और फीमेल पपी लेते हैं तो 5,550 तक की अवेलेबल हो जाती है। ये बच्चे में एक आपको दिख रही होगी इसकी आईज बहुत रेड है, जो बहुत जनरली सब डॉग्स में रहती नहीं है। इसकी वजह से इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा, और इसकी हाइट जो रहेगी लगभग 9 से 10 इंच की रहेगी। बॉडी वेट भी रहेगा लगभग 9 से 10 केजी का बॉडी वेट रहेगा। इनकी लाइफ अच्छी रहती है, बहुत स्ट्रांग रहते हैं हर मौसम में, कोई भी मौसम में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, सब सभी मौसम में सर्वाइवल है। और इनकी लाइफ आपकी 10 से 12 साल कॉमन रहती है, लेकिन इनकी लाइफ आप मान के चलिए 12 से प्लस ही रहती है। सो गाइस, मैं वीडियो बना रहा था उतने से ही एक पपी सेल हो चुका है लासा करके, जो आपको मैं दिखाया हूँ वीडियो में। कैसा लगा भैया? बहुत प्यारा कुत्ता है। अच्छा अच्छा, और कहाँ से हो आप? पेंडा रोड से। अच्छा, मेल फीमेल लियो? कैसे मेल मेल फीमेल? मेल फीमेल लियो। तो इतने दूर आए आप भी यहाँ आके, लासा हो गया और डॉग्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड है वो ले सकते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद समय देने के लिए, लीजिए रख लीजिए। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट डॉग जर्मन शेफर्ड है, तो इसके बारे में बता दीजिए भैया। ये जर्मन शेफर्ड का फीमेल पपी है जो कि लॉन्ग कोट में, जनरली सब कोट में आती जाते हैं, शॉर्ट कोट, स्मूथ कोट, लॉन्ग कोट, ये लॉन्ग कोट का फीमेल पपी है। इसका आप कलर आप देख ही सकते हो, ब्लैक एंड टेन कलर में रहता है। और ये इसकी ईयर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा इसकी ईयर सेट हो जाएंगे। और इसका एज कितना है भैया? ये 40 जैसा बच्चा है जो फीमेल पपी है। प्रोटेक्शन के लिए, फार्म हाउस के लिए, घर की गार्डनिंग के लिए ये पपीज बहुत ज्यादा कारगर रहते हैं। घर पे सिक्योरिटी चाहिए आपको तो जर्मन शेफर्ड बहुत ही अच्छा डॉग है, जो आपको सिक्योरिटी, पूरी फैमिली की सिक्योरिटी करता है, आपके नहीं रहते हुए आपके परिवार की देखभाल करता है। बहुत ही आज्ञाकारी डॉग्स रहते हैं ये, बहुत ही ज्यादा समझदार रहते हैं और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग में रहते हैं। तो जर्मन शेफर्ड में किसी भी टाइप का क्लेम नहीं कर सकते कि इनकी ट्रेनिंग बहुत लूज है, बहुत ही फायर ट्रेनिंग इनकी। जर्मन शेफर्ड की फीमेल पपी है जो कि सुपर टॉप क्लास की है। इसका फर क्वालिटी बहुत अच्छा है, लॉन्ग कोट की फीमेल है और इस टाइप की अगर फीमेल सबको लगेंगी तो ये लगभग 9 से 10 हजार तक की आपको अवेलेबल हो जाएगी बिलासपुर पेट पॉइंट। सो गाइस, यहाँ पर आपको मैं नेक्स्ट डॉग दिखा रहा हूँ, लेब्राडोर डॉग। दोस्तों, ये सभी कोई को पसंद रहता है और सभी कोई अपने घर में इसको लेके जाते हैं पालने के लिए। बाकी भैया इसके बारे में बताइए मेरे व्यूअर्स को। ये लेब्राडोर का मेल पपी है जो कि 40 डेज के आसपास का ये पपी है। लाइट फॉन कलर में, गोल्डन कलर में बोला जाता है। इसमें 3 कलर ऑप्शन रहते हैं, एक ब्लैक कलर, एक गोल्डन कलर, ऑफ व्हाइट कलर। जनरली ये कलर सबसे ज्यादा चलता है जो हल्का सा गोल्डिश कलर में रहता है। ये बच्चा बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही सकते हो, मेल पपी है 40 डेज का। बॉडी वेट अराउंड इसका लगभग 2.5 केजी के आसपास है और बहुत ही हेल्दी है, घर की फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर होता है। जैसे आप इसकी ट्रेनिंग देना चाहते हैं वैसा वो ट्रेन कमांड में रहता है। और प्राइसिंग मेल फीमेल में प्राइस का फर्क तो रहता है लगभग 3 से 4 हजार। ये क्योंकि मेल पपी है तो 14,000 के आसपास आपको अवेलेबल हो जाएगा। और फीमेल पपीज लेने चाहेंगे तो एक अच्छा क्वालिटी का पपी लेने चाहेंगे तो आपको लगभग 9 से 10 हजार में आपको अवेलेबल हो जाएगा। कलर के अकॉर्डिंग प्राइस नहीं आता भैया ना? मेल कलर के अकॉर्डिंग नहीं, इनकी एक्चुअल क्या होता है, इनकी बॉडी शेप और टाइप, इसका जो बोलते हैं ब्रॉड हेड, शॉर्ट टेल, ये इसकी पहचान है प्योर लैब्राडोर की। बोन स्ट्रक्चर आप देखेंगे डबल बोन का बच्चा ही है, बहुत ही खूबसूरत पपी है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट डॉग है चाओ चाओ। तो भैया इसके बारे में बताइए, चाओ चाओ डॉग के बारे में। चाओ चाओ ये डॉग है, ओरिजिन चाइना का है, गार्ड पर्पस से भी इसको यूज करते हैं लोग। का बॉडी वेट लगभग 40 केजी के आसपास रहता है एडल्ट वेट। हाँ जी भैया, और बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है। और उसके मसल्स, इनका बोन, इनका हेड, इनका टेम्परामेंट थोड़ा हाई रहता है बाकी डॉग की अपेक्षा, तो थोड़ा सा फैमिली में रखने में भी कंफर्टेबल है और गार्ड पर्पस से भी बहुत अच्छा डॉग है ये। और इसका एज कैसा है, और मेल है कि फीमेल है? अभी ये तो मेरे पास जो पपी है जो है मेल है, लगभग 2.5 मंथ का है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब बच्चा है। उसका कलर कौन कौन सा आता है भैया? इसमें जनरली कलर आते हैं गोल्डन कलर, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर। अभी आपको ये दिख रहा है ऑफ व्हाइट गोल्डन कलर में दिख रहा है, जो कान का कलर है ये बॉडी इसका टोन में आएगा। और प्राइसिंग कैसा भी है इसका? चाओ चाओ का मेल पपी लगभग 45,000 तक आपको अवेलेबल हो जाता है। इसका हाइट कितना बढ़ता है? हाइट की मांग के चलिए इसका 12 से 14 इंच की हाइट रहती है।
सो गाइस एक जो डॉग है लासा वो तो सेल हो चुका है, उसके अलावा भैया भी यहाँ आए जब मैं वीडियो बना रहा था तो देखे फर्स्ट नजर में ही और उनको ये डॉग पसंद आ गया तो ये लेके जा रहे हैं। तो भैया गार्डिंग के लिए लेके जा रहे हो कि घर में नॉर्मल घर में रखने के लिए? अच्छा अच्छा घर में रखने के लिए। कैसा लगा आपको क्वालिटी बता दीजिए? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं वैसे आप? बिलासपुर से हैं। सो गाइस आपने डॉग्स के बहुत सारे ब्रीड देख चुके होंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैट है, तो भैया बताइए इसके बारे में। पर्शियन कैट है जो कि डॉल फेस में अवेलेबल है, एक मेल है और एक फीमेल है। कलर ऑप्शन इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जैसे कि गोल्ड कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर। आईज भी इसमें आपको ऑप्शनल मिल जाती है, जैसे आईज का बॉडी के हिसाब से टोन कलर चेंज रहता है। व्हाइट में जनरली ब्लू आईज भी मिल जाती है, नॉर्मल ब्लैक और ब्राउन आईज भी मिल जाती है। और मेल फीमेल का थोड़ा प्राइस बता देते भी? मेल आप इसमें अगर देखिए इनमें क्वालिटी वाइज है, उनका फेस के हिसाब से सारी चीजें तय होती है। डॉल फेस में अपन जाते हैं तो 8,000 से 9,000, 9,000 से 10,000 तक ये अवेलेबल हो जाती है। और पंच फेस में जाते हैं, सेमी पंच में जाते हैं तो स्टार्टिंग 1,000, 12,000 से लेकर 15,000 तक ये बच्चे मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो भैया का पर्सनल डॉग है पग, तो भैया इसके भी बेबी वगैरह अपन को मिल जाएंगे भैया? बिल्कुल मिल जाएंगे, ये हमारा खुद का डॉग है, पर्सनल डॉग है। हाँ जी भैया। और ये पग है, इसका नाम है मिस्टर पोगो। हाँ। और इसके शहर में तो बहुत सारे बच्चे हो रखे हैं, जिस भी फीमेल को ये मैटिंग करता है, फीमेल कंसीव भी होती है, बच्चे भी होते हैं। लीटर साइज भी बहुत अच्छा होता है, कलर भी दोनों ऑप्शन रहते हैं, ब्लैक कलर के भी इसके बच्चे होते हैं और फॉन कलर भी इसके बच्चे होते हैं। इसका फेस, बॉडी टाइप, ये केसीआई है, केसीआई रजिस्टर्ड है, बहुत अच्छे ब्लड लाइन का है। किसी को भी अगर लगता है कि अपनी फीमेल को मैटिंग करानी है या कॉन्टेक्ट में करना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। 7 से 8 लीटर के बच्चे इसके होते हैं एक बार में। पग है बोल दिया, कितना साल का है ये? 2.5 साल का बच्चा है हमारे पास में, बचपन से लेके अभी तक उसको पाला गया है। हाँ, साथ में रहता है घर पे ही, फैमिली मेंबर है। वो बहुत ही खूबसूरत डॉग है, तो हमने इसको घर में अपने पर्सनल रखा हुआ है। डॉग्स हम बहुत सारे बेचते रहते हैं लेकिन इससे हमारा एक अलग अटैचमेंट है, अटैचमेंट है बोल दीजिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत प्लेफुल है, बच्चे भी पसंद करते हैं। और ये ब्रीड भी ऐसी है कि छोटे से डॉग के रूप में ये रहता है और बहुत एक्टिव रहता है। तो जनरली अगर छोटे फ्लैट्स में कोई रहने वाले हैं या उनको लगता है कि छोटी सी जगह पे हमको डॉग पालना है, जिनके पास स्पेस नहीं है, 2 BHK 3 BHK में उनको लगता है कि नहीं हमको डॉग पालना है, तो छोटी सी जगह में भी इसको पाला जा सकता है। अच्छा, छोटी सी जगह में सर्वाइवल रहेगा, बहुत प्लेफुल है, बहुत नॉटी है। घर पे एक पेट, एनर्जेटिक पेट रखना हो तो पग आप बिल्कुल ले सकते हो। तो गाइस मैंने आपको पेट पॉइंट बिलासपुर के बहुत सारे डॉग्स के ब्रीड दिखा दिए यहाँ, जो जो अभी अवेलेबल था आपको मैंने 7 से 8 डॉग्स के ब्रीड दिखाए। यहाँ बहुत सारे डॉग्स के ब्रीड आते रहते हैं गाइस, आप जो भी डॉग्स के ब्रीड अगर चाहोगे तो यहाँ भैया को बताइए, वो आपको अवेलेबल करा देंगे लो से लो बजट में। तो गाइस चलिए भैया से बात करते हैं, पेट शॉप में उनके क्या क्या एसेसरीज और फूड के प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाएंगे, तो भैया बता दीजिए और क्या क्या मिल जाएंगे यहाँ हमें? हमारे पास हमारी पेट शॉप में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। डॉग फूड मिल जाएगा, डॉग एसेसरीज मिल जाएंगे जिसमें टॉयज है, बेल्ट है, चेन है, पट्टा है, फीडिंग पॉट है, हर तरीके के सामान मिल जाएंगे। और डॉग के अलावा मेरे पास फिश के भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और कैट्स के लिए भी बहुत ही यूनिक टॉयज, उसके लिए फीडिंग पॉट्स, उसके लिए कैट लीटर, स्कूपर, उसके लिए हाउस पैड, और जितनी भी आपको जरूरत की चीजें रहती है डॉग्स में, कैट्स में, हर तरीके की चीजें मिल जाएंगी। अभी 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 विंटर से विंटर चल रही है, ठंडी के लिए कपड़े मिल जाएंगे, टी शर्ट्स मिल जाएंगे, फ्रॉक्स मिल जाएंगे डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए ग्रूमिंग ब्रश मिल जाएंगे बहुत सारे, और फिश के भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास पंप है, फिल्टर है, फिश के फूड है, टर्टल फूड्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में मिल जाएगी। और क्वालिटी के बारे में तो आप बेफिक्र ही रहिए, हमारे पेट पॉइंट जो एक प्रोडक्ट देती है और एक क्वालिटी बेस है, उसमें आपको कोई भी कंप्रोमाइज वाली कोई चीज़ें नहीं रहेंगी। बेल्ट, पट्टे, चेन, ये बहुत ही अच्छे प्राइसिंग में मिल जाएंगे। और अच्छी बात ये है कि हमारे पास, हमसे अगर पैट्स आप लेते हो तो पैट्स के साथ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम गिफ्ट भी करते हैं, मतलब जैसे कि एक बेल्ट है, एक चेन है, खाने का पॉट है, और आपका उसके लिए मल्टीविटामिन कैल्शियम है, तो पेट की जरूरत के हिसाब से हम वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो उनको देते हैं। कैट्स के लिए हमारे पास बैट्स मिल जाएंगे, तो वो सब चीज़ें हम उनके साथ ऐड करके उनको देते हैं। और पूरी पूरी मतलब एक कोई भी पैट्स खरीदने पे उनका पूरा गाइड करते हैं, जो भी इनको मतलब लगती है, मेडिकल से लेके, ग्रूमर से लेके, हर चीज़ें वो प्रोवाइड करवाते हैं जो उनकी नीड है। और जिसको फर्स्ट ऑनर है, जिनको मतलब जानकारी नहीं है, उनके लिए भी हमारे पास पूरी फैसिलिटी है। हम आप उनको पूरे वैक्सीनिंग शेड्यूल, उनकी डिवर्मिंग का, उसके केयर टेकिंग का, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब किसी भी टाइप की आपको जरूरत हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे नंबरों पे, आप निश्चिंत होकर पैट लीजिए, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। जो वैक्सीन लगती है टाइम टू टाइम बताएंगे, जो रिक्वायरमेंट उनकी होती है टाइम टू टाइम बताएंगे। अगर आप फीमेल डॉग या मेल कैट फीमेल लेना चाहते हो, उनको ब्रीडिंग करना चाहते हो और उनके पपीज करवा के भी सेल करना चाहते हो, तो भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमारे पास ऑल टाइप पपीज परचेज भी करते हैं और हर तरीके के बच्चे सेल भी करते हैं।
सो गाइस फाइनली आपको मैंने पेट पॉइंट सिंधी कॉलोनी जराभांटा बिलासपुर में जो पेट शॉप है वहाँ सारे डॉग्स के ब्रीड आपको दिखा दिए दोस्तों। यहाँ आपको बहुत सारे डॉग्स के ब्रीड अवेलेबल मिल जाएंगे, जो अभी करंट में अवेलेबल था उसको मैं दिखाया हूँ। एंड उसके अलावा दोस्तों जो प्राइसिंग है वो अप एंड डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है सीजन वाइज। आप यहाँ आके अच्छे से भैया से बात करके ले सकते हैं, मतलब बातचीत प्रॉपर करिए, समझिए, परखिए, उसके बाद ही किसी भी पेट को परचेज करिए। एंड दोस्तों जो भैया का नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और सारी जानकारी, लोकेशन हो गया, बहुत सारी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। एंड उसके अलावा भैया को अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो सुबह 10 से रात के 10 बजे के बीच में करिएगा गाइस। दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। डॉग्स के सारे ब्रीड चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं, पेट पॉइंट जराभांटा सिंधी कॉलोनी बिलासपुर। आपको मुंह से ही बता दिया, मुखाग्र बता दिया मैं लोकेशन, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।